मैथमेटिक्स फोर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकेटीयू का मैथमेटिक्स फोर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैथमेटिक्स फोर के यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि सभी यूनिट्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई सारे छात्र पूछे सर मैथमेटिक्स फोर्स में आखिर कैसे हम बैक क्लियर करने बैक ना आए। तो अगर आपकी बैक लगी थी आप बैक का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप रेगुलर हैं, दोनों छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते तो आप पास हो जाओगे, बैक तो लगेगी नहीं, आप टॉप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये 1, 2, 3, 4, 5 जो मैं आपको यूनिट वाइज बताऊँगा वो सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट, यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको यूनिट वन की बात करूँ तो यूनिट वन में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट वन का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यूनिट वन का देखिए, यूनिट वन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, क्या है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्या है लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन यानी इसको सॉल्यूशन करके भी मैं समझा दूंगा वीडियो में, लेकिन अगर टाइम रहेगा तो बहरहाल। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं यूनिट नंबर टू, यूनिट नंबर वन का टू जो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हाई ऑर्डर विद हायर ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। अब देखो क्या है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से इतना भी पूछ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से आपको हायर ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट जोड़ देगा तो आपको पूरा करना होगा। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ने से आपका दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है, दो क्वेश्चन आपका जो है तैयार हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के फर्स्ट यूनिट में, तो ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यूनिट वन में मैंने तीन क्वेश्चन लिया, आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो, बट कम से कम तीन क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। बात करते हैं यूनिट नंबर टू का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, यूनिट नंबर टू का अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो है फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से डिफरेंशियल का सेकंड ऑर्डर भी आपको पढ़ना है, दोनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, तो आई होप चांसेस यही है कि कम से कम एक तो आ ही जाएगा, ठीक है, हो सकता है दोनों पूछ ले, लेकिन कम से कम मिनिमम तो एक क्वेश्चन आना है, आएगा ही, आने के चांसेस हैं ऑर्डर से, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर से, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका MGF, जिसे हम कहते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्या है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। आप तो अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो ये हो गया आपका नॉन लीनियर रिग्रेशन और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक तो ये हो गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ यूनिट नंबर टू के। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर फोर में अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्या है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है प्रोबेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्या है ये अलग क्वेश्चन, और दूसरा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये अलग है। तो देखो फंक्शन वाला दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, तो जरूर पढ़ लेना, 99% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दोनों में से डेंसिटी फंक्शन या फिर मास फंक्शन पूछेगा। और दूसरा आपका तीसरा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन चौथा आपका है पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एक क्वेश्चन कुछ और था, एक टॉपिक मैं उसमें भूल गया हूँ इसको, तो आप लोग उसको भी देख लेना, ठीक है, जो पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक कोई टॉपिक और छूट रहा है तो आप लोग उसको भी देख लेना, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन हो गया, चार क्वेश्चन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, दूसरा का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तीसरा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट देख लेना, फिर आपका पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो यार इसमें मैंने दूसरे तीसरे यूनिट दोनों कवर किया, मैंने केवल तीन क्वेश्चन लिया है, आप इसमें एक क्वेश्चन जरूर बढ़ा लेना कम से कम, लेकिन तीन को तो बिल्कुल मत छोड़ना, आप इसके एक क्वेश्चन जरूर ऐड कर लें क्योंकि इसमें दोनों यूनिट है दूसरे तीसरे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर फाइव की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में अदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट के अलावा वो कौन से वो बताऊंगा। तो यूनिट नंबर फाइव का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हाइपोथेसिस नल, एक तो हो गया हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, अब डिफरेंस हो सकता है डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस देख लेना क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, और टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस ये भी देख लेना है, तीन क्वेश्चन इससे बन सकता है। दूसरा जो आपका आता है इसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड चाई स्क्वायर टेस्ट,
अब देखो तीनों टेस्ट में से एक टेस्ट जरूर पूछेगा आपका, आप चाहे 2 मार्क्स का पूछे चाहे 10 मार्क्स का पूछे, 10 मार्क्स का पूछेगा तो कम से कम 2 पूछेगा, टी टेस्ट और चाय टेस्ट, चाहे स्क्वायर टेस्ट पूछेगा, और अगर 2 मार्क्स का पूछेगा तो कोई एक टी टेस्ट पूछ सकता है, एफ टेस्ट पूछ सकता है, फिर चाहे स्क्वायर टेस्ट पूछ सकता है, तो दोनों तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, तो आप देख लेना, हो सकता है 2 भी आ जाए और 2 नंबर या 10 नंबर जरूर आएगा, तो देख लेना टी टेस्ट, एफ टेस्ट, चाय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियस, जिसे हम क्या कहते हैं वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियस, ये देख लेना, और SQC भी आपको देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो होता है PNP और C चार्ट क्या होता है, PNP और एक X चार्ट होता है, तो आप लोग चाहो तो वो भी देख लेना, तो लेकिन ये PNP और C चार्ट जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट 1 to 5 से कवर हो गया पूरा, लेकिन अगर हम बात करें अदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कौन से आ सकते हैं, अब देखो जो अब बताऊंगा मैं वो 10 मार्क्स का है, बट ये अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन टाइम है तो जरूर पढ़ लीजिए। क्या पार्शियल डिफरेंशियल एंड टाइप्स ऑफ पार्शियल, पहले तो ये होगा पार्शियल डिफरेंशियल, और उसमें क्या है एंड टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है टाइप्स ऑफ पार्शियल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फिर बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है क्लासिफिकेशन, दूसरा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं ऑलरेडी बता चुका था सेकंड आर्डर, लेकिन इसको देख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल आर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका बेसिक आइडिया ऑफ स्टैटिक्स इंक्लूडिंग, क्या है बेसिक आइडिया ऑफ स्टैटिक्स इंक्लूडिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन रिग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज। अभी देखो 3 क्वेश्चन है, एक तो सिर्फ आपसे यही पूछ सकता है कि बेसिक आइडिया ऑफ स्टैटिक्स इंक्लूडिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन साथ में ये पूछ सकता है कि कोरिलेशन क्या होता है और रिग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोरिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन और प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊँ यूनिट 1 to 5 के साथ अलावा जो अदर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। और हाँ, आप लोग इसमें यूनिट 2 और 3 में कम से कम जो है एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, 1 से 2 क्वेश्चन मैंने बहुत कम इसको लिया है, लेकिन अगर आप इतना पढ़ लोगे, मैं फिर बता रहा हूँ यूनिट 1, 2 से 5 जो मैंने बताया, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो बैक तो कभी नहीं लगेगी, बैक का भूल जाओ। और हाँ, अगर पूछो कितने मार्क्स बन सकते हैं, कहीं कई से अच्छा पूछे, तो देखो ये जो मेरे क्वेश्चन है ये कम से कम 52 अगर हम बात करें 75 या 80 मार्क्स आपके बन सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, बाकी अगर कोई मैथ 4 से रिलेटेड या फिर अदर जो सब्जेक्ट है, अब मैं आपको जो कल एग्ज़ाम एक और मटेरियल बताने किसका, तो मैं इसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग बता देना कल एग्ज़ाम्स कौन कौन सब्जेक्ट का हो रहा है, तो मिलते हैं इस वीडियो में।